नमस्कार दोस्तों। तो क्वाड जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यूएस उन्होंने विजिट किया है, जहां पर क्वाड समिट हो रहा है। और उस क्वाड समिट में चारों कंट्रीज़ जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और उसके साथ में यूएस, इन सारे चारों लीडर्स की अपनी स्पीचेस आपने देखी होंगी, काफ़ी वायरल हुई हैं। जो बाइडन की स्पीच देखी जहां पर वो भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोलना है और बोल के वो निकलने लग गए, मतलब तमाम चीज़ें क्वाड समिट में हो रही हैं। कुल कहने का मतलब, कुल जमी बात यह है कि काफ़ी सारे सवाल क्वाड को लेकर के पूछे गए, पूरी क्वाड समिट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसके बारे में समझना थोड़ा ज़रूरी है। अब देखो, आपने बहुत सारी ऐसी चर्चाएं सुनी होंगी क्वाड को लेकर के कि भाई क्वाड जो है वो सर्वाइव कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये रहता है कि मान लो जो बाइडेन जो है, उन्होंने तो आप उनके 3-4 साल के पीछे स्पीचेस उठा करके सुन लेना, जहां पर भी वो कैंपेनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो जब भी इंटरनेशनल की बात आती है, इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल रिलेशंस या इंडो पैसिफिक रीजन, एशिया की बात आती है, वो ज़रूर से उसमें क्वाड को लेकर के आते हैं। उनके लिए ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्टनरशिप। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखो, अब तो सवाल उनसे इसलिए पूछा गया क्वाड को लेकर के कि देखो, अब तो ये चीज़ क्लियर है कि जो बाइडेन जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं बन रहे हैं। प्रेसिडेंट या तो कमला हैरिस बनेंगी या तो डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। तो सवाल यहीं से उनसे पूछा गया क्वाड की समिट में, जहां पर सारे लीडर्स बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या जो आप प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, अगर कमला हैरिस मान लो प्रेसिडेंट बन भी जाती हैं, तो क्या उनके लिए क्वाड उतना ज़रूरी रहेगा जितना आपके लिए ज़रूरी हुआ करता था? और सपोज़ अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट नहीं बनती हैं और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो फिर क्या क्वाड जो है वो सर्वाइव भी कर पाएगा? ये सवाल जो है वो हमेशा क्वाड के बारे में बोला जाता है और इस पूरी पार्टनरशिप के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। कई लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जब से गवर्नमेंट चेंज हुई, जो लेबर पार्टी आई है, लेबर पार्टी है वहाँ पर अभी पावर में, तो वो लेबर पार्टी का भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है ऐसी किसी पार्टनरशिप के ऊपर में, क्वाड के ऊपर नहीं रहता उनका इतना पार्टनरशिप। फिर इंडिया को कहते हैं, तमाम लोग इंडिया के ऊपर सवाल उठाते हैं कि इंडिया का भी जो टिल्ट है वो क्वाड की तरफ कम है, और क्लियर है ये बात तो कि इंडिया का टिल्ट क्वाड की तरफ कम है, ब्रिक्स की तरफ ज़्यादा है। इंडिया ब्रिक्स में ज़्यादा अच्छी पोजिशन होल्ड करता है और उसको मेनटेन करके चलने की कोशिश करता है बजाय कि क्वाड के। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मीटिंग भी 2-4 मिस हुई हैं बीच में, ज़्यादा मीटिंग भी नहीं हो पाती है, समिट्स भी उतने नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए कहा गया कि ये इररेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो तमाम सवाल हैं जो कि क्वाड से रिलेटेड पूछे जाते हैं, अगले 10-15 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया जो बाइडेन से, जो वहाँ पर जो पत्रकार लोग मौजूद थे, उन्होंने सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये सर्वाइव कर पाएगा क्या, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जेस्चर ऐसा था कि मतलब सब कुछ डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने अपना हाथ रखा प्रधानमंत्री के शोल्डर पर और उन्होंने कहा कि इट विल सर्वाइव वे बियॉन्ड नवंबर, मतलब कि नवंबर में इलेक्शंस हैं, तो नवंबर के बाद कोई भी बने, इररिस्पेक्टिव कि कोई भी प्रेसिडेंट बने, ये जो पूरा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, ये बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। अच्छा, एक आपको एक चीज़ बता दें कि ये इतना सवालों के घेरे में क्वाड रहता क्यों है, बिकॉज अभी जो आप क्वाड देख रहे हो ना, वो 2.0 है एक तरीके से। एक क्वाड का 1.0 आया था जो कि 2007 में बना, और 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने, वहाँ पर जब लेबर पार्टी की सरकार बनी 2008 में, तो ऑस्ट्रेलिया बैक ऑफ हो गया क्वाड से, उसने ख़त्म कर दिया उस पूरी पार्टनरशिप को। तो आप समझ लो उसका ये 2.0 वर्जन है एक तरीके से, तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है कई बार, और ऑलरेडी वो मतलब ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई मीटिंग नहीं होती, सारे जो सवाल हैं वो बने रहते हैं उसको लेकर के। तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये चीज़ बोली, तो अब इसको आपको मतलब समझना है कि एक्चुअल में उनका कहने का मतलब ये था कि ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के ऊपर। अब मैं आपको आगे चल करके समझाता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या हैं क्वाड के साथ साथ में। अब देखो, सबसे पहले पूरे पार्टनरशिप का एक ऑब्जेक्टिव समझ लो, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन बनाना चाहते हैं। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन किससे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन ये लोग बनाएंगे? जाहिर सी बात है, चाइना इज द ग्रेटर पावर वहाँ पे, और चाइना से ये एक फ्री इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं, मतलब चाइना का डोमिनेंस को खत्म या कम करना चाहते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव से इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, और आप देखोगे कि इस ऑब्जेक्टिव से एक तरफ चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश, नेटो उधर बनाया गया, रशिया को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश, इस तरीके से कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाता आया है यूएस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस इररेलेवेंट क्यों हो जाते हैं विद टाइम? इररेलेवेंट होने का सबसे बड़ा कारण है बिकॉज ऑफ द ओवर डोमिनेंस ऑफ यूएस। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बाकी कंट्रीज का ज़्यादा स्टेक या ज़्यादा से होता नहीं है, यूएस का ओवर डोमिनेंस होता है। इसीलिए ट्रंप ने भी कहा था कि वो अब इन्वेस्ट करना
इन नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कम कर देंगे जब वो पावर में आएंगे, बिकॉज इनका कोई मतलब ही नहीं रह गया है, लोग सीरियस नहीं लेते इन ऑर्गेनाइजेशन को, इररिलेवेंट मानते हैं। आप रशिया को देख लो, कर ही दिया ना उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया नेटो ने रशिया का, इतने जो पूरे पूरे शहर हैं पूरा, मतलब एक तरीके से ईस्टर्न यूरोप उसने कब्जा कर ही लिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वाड की दो तीन प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम से समझना शुरू करते हैं। देखो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस पूरे मतलब पार्टनरशिप को समझते हैं, उनका कहना यह है कि इसमें सबसे जो वीक लिंक है इस पूरे पार्टनरशिप के अंदर, वीक लिंक मतलब कि जो इस पार्टनरशिप को सबसे जल्दी ब्रेक कर सकता है या जिसकी वजह से ये इररिलेवेंट हुआ है, उनका मानना है कि वो इंडिया है, मतलब कि इंडिया की न्यूट्रैलिटी है। अब इंडिया की पॉलिसी बहुत क्लियर है, आपने देख ली है अभी, कि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है, वो किसी भी ब्लॉक में नहीं जाएगा। इंडिया इज़ रूलिंग द थर्ड वर्ल्ड वेरी वेल। जो बाईपोलर से अब हम मल्टीपोलर हुए हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड में तमाम ऐसे सुपर पावर्स खड़े हुए हैं, मैं ब्राज़ील को भी उसमें मानता हूं, उसमें मैं इंडिया को भी मानता हूं, उसमें इंडिया को भी रखता हूं, और इंडिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड को बहुत आराम से चला रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी पावर, मतलब किसी की पावर डायनेमिक्स में जाने का। तो एक तरफ यूएस का अपना ब्लॉक है, दूसरी तरफ जो रशिया चाइना ब्लॉक एक्सिस एक बना हुआ है, इंडिया को दोनों में से किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। इंडिया को इसलिए वीकलिंग कहा जाता है क्वाड के अंदर, सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, बिकॉज इंडिया एकमात्र वो कंट्री है कि जब यूएस के रिक्वेस्ट करने के बावजूद क्वाड के बाकी सारे मेंबर्स ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए और रशिया के पूरे जो एक्ट था यूक्रेन पर अटैक करने का उसको कंडेम भी किया। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री जिसने ना कंडेम किया ना कोई सैंक्शंस लगाए रशिया से, बल्कि रशिया से और ज़्यादा अपने ट्रेड को बढ़ा दिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वाड की, जो सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं। और आप समझिए ना कि इसको क्यों इंडिया न्यूट्रल रहता है, बिकॉज सी हम ब्रिक्स में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ब्रिक्स में अच्छी पोजीशन के साथ इंडिया मौजूद है, वहाँ पर चाइना को काउंटर बैलेंस भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ क्वाड को की जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यूएस की एक फिलॉसफी रही है, आप इस चीज़ को समझिएगा कि जब वो किसी कंट्री के अगेंस्ट में आता है, सो यूएस एक्चुअल में डायलॉग चाहता ही नहीं है उस कंट्री से। जैसे देखो, रशिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, बट एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि हमारे संबंध अच्छे बने रहें, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टेबल पर बैठ करके बातचीत करने का कम से कम विंडो देना चाहिए। अब जिस चीज़ का पार्ट ही नहीं है रशिया, तो बातचीत का कोई वही मतलब ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि रशिया हमेशा ये चीज़ सोचेगा कि नेटो की बॉल मेरी तरफ बढ़ रही है और ये लोग कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, तो इसलिए वो अप्रीहेंशन में रहेगा हमेशा, और उसने कर ही दिया वो यूक्रेन के ऊपर अटैक। तो इस तरीके की चीज़ रहती है। तो अब इसमें भी क्या है, क्वाड में चाइना इज़ मिसिंग, तो आप चाइना को काउंटर बैलेंस भी करना चाह रहे हो और उसको आप उसका हिस्सा भी नहीं बनाना चाहते, आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो उस पूरे रीजन में, आप नहीं कर सकते चाइना को इग्नोर। ये बात इंडिया बहुत अच्छे से समझता है और इसीलिए वो हमेशा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अपने खुद को न्यूट्रल रखना चाहता है। इसीलिए हम ब्रिक्स में ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, हमारा टिल्ट ज़्यादा बेटर वहाँ पर है, बिकॉज वहाँ पर एक तो जो एक्सटेंडेड ब्रिक्स वर्जन बना है अभी, वहाँ पर एक तो कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, कंट्रीज़ ज़्यादा होने के साथ साथ में इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। ये दोनों कारण की वजह से इंडिया क्वाड के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो ये तो पहला कारण हो गया क्वाड के वीक होने का। जो दूसरा कारण माना जाता है, वो माना जाता है कि ऑब्जेक्टिव इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वही कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आता है। जैसे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि ये लोग चाइना को बस काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब चाइना को एक तरीके से मतलब न्यूट्रल करने की कोशिश है इनकी, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश है इनकी इस पूरे पार्टनरशिप के तहत। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ना कि सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो चाइना को लेकर के सबकी डिफरेंट हैं। अब जैसे आप देखो, यूएस जो है वो चाइना को कैसे मैनेज करने की कोशिश करता है कि चाइना के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया जाए, ठीक है, या रशिया चाइना एक्सिस के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया जाए, माइक्रोचिप वॉर में एंटर करने से रोका जाए चाइना को, मतलब ट्रेड लेवल पर उसको काउंटर करने की कोशिश है। और वो ठीक भी है, क्योंकि आपस में एक दूसरे इकोनॉमीज़ जो हैं आगे पीछे थोड़ी बहुत हैं, तो वो ठीक बात भी है कि वो उसको रोकने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। हर जगह पर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, हर जगह पर चाइना को रोकने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी से कह दिया है कि भाई अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा। तो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट जा रहा है उसी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी की वो बात कर रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट पर मैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर उनकी पॉलिसी है कि ट्रेड लेवल पर हम चाइना को काउंटर करें, और दूसरी तरफ वो अपने मिलिट्री लेवल पर भी कोशिश करते रहते हैं, फिलीपींस में बेस बनाना, वहाँ से फिलीपींस के थ्रू चाइना को मैनेज करना, ताइवान के थ्रू चाइना को मैनेज करना, उस तरीके से साउथ चाइना सी में एंटर किया, उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में ये क्वाड के थ्रू एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम अगर आप देखो तो इंडिया कैसे चाइना को मैनेज करता है। इंडिया जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लेवल पर तो चाइना को मैनेज कर रहा है, मिलिट्री लेवल पर तो कर रहा है, अपने बॉर्डर्स पर तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड में रिस्क नहीं लेना चाहता इंडिया बिल्कुल भी।
आप देखिए कि पाकिस्तान से हमने तीन तीन वॉर लड़े, सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया की पॉलिसी का कि हमने पाकिस्तान के साथ तीन वॉर्स लड़े, हमारे रिलेशंस लगातार ख़राब रहे, लगातार टेररिस्ट अटैक होते रहे, 2008-2006 लगातार टेररिस्ट अटैक्स होते रहे, लेकिन फिर भी इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कभी पूरी तरीके से ट्रेड को बंद नहीं किया, हम सिर्फ क्रिकेट मैच खेलना छोड़ देते हैं, ट्रेड अपना चलता रहता है। और आप अभी आगे समझोगे, हालांकि आज की डेट में पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से इररेलेवेंट है, उसकी बात करना भी यहाँ पे मैं एग्जांपल भी देना सही बात नहीं है, वो तो पाकिस्तान ने खुद बेवकूफ़ी करी, अपना नुकसान करा दिया कि 2019 में पूरी तरीके से ट्रेड को बंद कर दिया, वो ज़्यादा भावुक हो गए, खैर उनकी बात छोड़िए। वही चाइना के साथ में हमारे रिलेशंस कितने भी ख़राब हो जाएं बॉर्डर पर, डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तमाम चीज़ें होती रहती हैं, रोज़ के रोज़ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं बॉर्डर पर, कुछ ना कुछ छुटपुट छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ट्रेड आप देखो कि इंडिया चाइना का ट्रेड बहुत हाई रहता है, ट्रेड वॉल्यूम, बिकॉज इंडिया, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, हम देशभक्ति में बहुत ज़्यादा भावुक होकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत ऊपर लेवल के लोग बैठे हैं डिप्लोमेट्स, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एटलीस्ट आप एशिया में चाइना को इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, मतलब चाइना इज़ अ ह्यूज पावर, चाइना इज़ ऑल्सो अ ह्यूज पावर, अगर इंडिया एक बहुत बड़ा पावर है तो चाइना भी एक बहुत बड़ा पावर है, आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है। इसीलिए ट्रेड एकदम ट्रेड के ऊपर हम इतने स्ट्रांग डिसीजंस नहीं ले सकते, या रशिया से हम ट्रेड के ऊपर इतने स्ट्रांग डिसीजंस नहीं ले सकते, इसीलिए हमें न्यूट्रल रहना भी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। भले ही भावुकता में नेशनैलिटी को हम देख करके ये बोल दें कि नहीं अरे चाइना को क्या है, एक मिसाइल मारोगे ख़त्म हो जाएगा, चाइना के पास इतनी बड़ी आर्मी है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तमाम बातें हम बोलते हैं, वो बातें सही भी हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, एटलीस्ट बिजनेस और ट्रेड में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दो अलग अलग पॉलिसी, एक तरफ यूएसए है वो उसको ट्रेड में एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया है जो कि बाकी सारी चीज़ों में मिलिट्री वगैरह हर जगह पर वो चाइना से फेस ऑफ कर रहा है, लेकिन ट्रेड वेट में वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इस वजह से भी कहा गया कि क्वाड जो है वो बहुत अंडरमाइन हो गया, बिकॉज सबके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं जो कि क्वाड के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव से बहुत दूर हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये है कि इसको मिलिटराइज करने की कोशिश की गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयू का एक मिलिट्री वर्जन ही तो है ना नेटो, नेटो बनाया इसीलिए गया है कि रशिया के डोमिनेंस को काउंटर करो, एक एक कंट्री को अपना मेंबर बनाते जाओ और पूरी नेटो वॉल को आगे बढ़ाते जाओ, इसी वजह से नेटो बना। वही कोशिश ये इंडो पैसिफिक रीजन में कर रहे थे, वही कोशिश इन्होंने साउथ चाइना सी में कही थी, सक्सेसफुल भी हुए हैं ताइवान के थ्रू, वही कोशिश ये इंडो पैसिफिक रीजन में स्क्वाड के थ्रू कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया किसी भी ऐसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री पार्टनरशिप्स में जुड़ने से हमेशा से, आप इंडिया की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, वो बचते हुए आया है। वो कंट्री टू कंट्री कर सकता है पार्टनरशिप में, वो ऐसी कोई ग्रुपिंग बिल्कुल भी इंडिया नहीं रखना चाहता, ना ही उसको मिलिटराइज करने देना चाहता है। और मिलिटराइज करने देगा तो उसमें क्या है कि यूएस का डोमिनेंस रहेगा, जब यूएस चाहेगा तभी होगा, जो यूएस चाहेगा वही होगा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमारा टिल्ट जो है वो ब्रिक्स की तरफ ज़्यादा है और क्वाड की तरफ कम है। तो अब ये सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या क्वाड सर्वाइव कर पाएगा इलेक्शंस के बाद। मुझे लगता है कि क्वाड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अभी भी क्वाड जो है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट विथ टाइम नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्टेप ये लोग वैसे भी नहीं ले पा रहे हैं इस पूरे पार्टनरशिप के थ्रू। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी ने आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च करते हैं, अन अकेडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस प्राइस को सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अन अकेडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी, प्लस इन्हीं बैचेस में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, इसके साथ में आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी होंगे, उसके साथ साथ आपके लिए इसमें मतलब जितने भी आप मेंस के टेस्ट लिखते हो उनके सारे इवैल्यूएशन भी आपको मिलेंगे। मतलब अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इंक्लूड की जाएगी। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।